लीज ट्रस बनी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक को हराकर तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। रिटर्निंग ऑफिस ऑफ द कंजर्वेटिव यूनियनिस्ट पार्टी लीडरशिप इलेक्शन डिक्लेयर टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स वाज 172,437. द टर्नआउट इन द इलेक्शन वाज 82.6%. द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिजेक्टेड वाज 654. The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. लीज ट्रस का पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ ट्रस है। इनका जन्म 26 जुलाई 1975 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। पिता जॉन कैनेथ और माँ प्रिसिला मैरी ट्रस थी। पिता लीड्स विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर, जबकि उनकी माँ एक नर्स थी। जब ट्रस 4 साल की थी तब उनका परिवार स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गया था। यहाँ उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। इसके कुछ साल बाद कनाडा शिफ्ट हो गई। 1996 में ट्रस ने मैटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। मैटन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ट्रस लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के लिए प्रचार करती थी। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिबरल डेमोक्रेट्स की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। 1996 में उन्होंने डेमोक्रेट छोड़कर कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन कर ली। तभी से वह इस पार्टी में है। ट्रस ने 1998 और 2002 में ग्रीनविच लंदन बोरो काउंसिल इलेक्शन भी लड़ा, हालांकि दोनों में ही उन्हें हार मिली। 4 मई 2006 को उन्होंने पहला चुनाव पार्षद के तौर पर जीता। इसके बाद 2010 में वह पहली बार सांसद चुनी गई। सांसद बनने के 2 साल बाद वह शिक्षा मंत्री भी बन गई। बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने कई बड़े काम किए। 2016 में न्याय सचिव बनी। उसके बाद 2017 में ट्रेजरी प्रमुख बना दिया गया। 2019 में जॉन बैरिसन प्रधानमंत्री बने तो लीज को विदेश सचिव बना दिया गया और आज लीज ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने कहा कि वह अपने सारे वादे पूरे करेगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए द इंडिया बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।